जिस वातावरण में हम रहते हैं उसे शुद्ध, साफ सुथरा और स्वस्थ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे उसी प्रकार आवश्यक हैं जैसे सूरज, हवा और पानी। पेड़ पौधों से हमारा जीवन जुड़ा है, हम एक दूसरे के सहारे ही जीवित हैं। विभिन्न पेड़ पौधों से हमारी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी होती हैं। बच्चों, आज हम कपास की कहानी सुनेंगे। और जानते हो ये कहानी सुनाएगा कौन? कपास के पेड़ पर बैठा ये बबुआ कह रहा है मैं सुनाऊंगा। अच्छा लो भाई, इन्हीं से सुनो। दोस्तों, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो मैं हूं बबुआ राम। हाँ तो कपास तुम्हें मालूम, तुम सबको सर्दी से बचाता है। लो, तुमने तो कपास तोड़ना और इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया। नहीं, तुम नहीं बताओगी, हम बताएंगे। एक पौधा होता है कपास, उस पर ये फूल होता है। जब ये फूल निकलता है उसके बाद इसका डोडा बनता है। डोडा जब पक जाता है तो इसके अंदर रुई बनती है, और जब ये रुई बनती है तो ये इस तरह से खिलता है, और फिर सब इस रुई को हम लोग तोड़ लेते हैं।
लेकिन जब इस रुई को काम में लाते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? इसके अंदर ये बिनौला होता है, इस बिनौले को निकाल लेते हैं। और पता है बिनौले से क्या क्या बनता है? इसकी खली निकलती है, जानवरों को खिलाई जाती है। जब इसकी खली जानवरों को देते हैं तो इससे दूध में घी भी बहुत निकलता है। मक्खन अच्छा लगता है ना तुमको? तो देखा, कपास से सिर्फ रुई ही नहीं बनती बल्कि जानवरों के लिए पौष्टिक भोजन भी मिलता है। अच्छा, मौसी गई और तुम लोगों ने खेलना शुरू कर दिया। खेलो खेलो, हम भी जब छोटे थे तो खूब खेला करते थे। अरे ये क्या, इस घर की छत पर बर्फ कहां से आ गई? अच्छा, ये बर्फ नहीं, रुई है, रुई। अच्छा बताओ, तुम्हारी धुनाई हुई है कभी बच्चों? हुई है ना? नहीं, पर रुई की धुनाई तो होती है। वो इसलिए कि रुई के रेशे अलग हो जाएं। रेशों के बीच में हवा भर जाने से रुई फूल जाती है। और देखा, उस रुई को रजाई में भर दिया गया है ना? और अब रजाई तैयार। रुई से ही मौसी की साड़ी भी तैयार। भई अब हमने तो रजाई साड़ी बनाई नहीं, हम बबू आराम है ना, इसीलिए रुई ही लपेट ली। पर तुम बनाना सीखना, सीखोगे ना?